अब जो रात हो जाता था ना, रात हो जाती थी वहां पहुंचते पहुंचते करके समझो 9 बज जाता था पहुंचते पहुंचते। रोज में गुरुजी कथा सुनने के लिए रोज आता था जाता था रोज। इसलिए हमारे ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म स्तुति में, अभी आगे सुनेंगे, जो जीवती स मुक्ति पद जाए राय भक्त। मतलब है कल भगवान की भक्ति को प्रेम को कौन प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं अगर आप एक दिन रोटी मत खाओ कैसे लगेगा, रोटी नहीं खाने कैसे लगेगा, भूख लगेगी ना, रोटी खाए तो रह दिया। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं जब हमको ऐसे लगने लग जाए, एक दिन अगर हम भगवान की कथा सुने ऐसे लगे आज तक हमने कुछ भी नहीं किया। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं आज तक हमने कुछ भी नहीं किया, भगवान की कथा ही नहीं सुनी, आज तक हमने कुछ भी नहीं किया। जब तुम्हारे मन में ऐसे भावना आने लग जाए, ब्रह्मा जी कह रहे समझना तुम्हारी भक्ति थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी भक्ति बढ़ रही है। जैसे घर में बैठ कर क्या करते हो, सामने टीवी लगा हुआ होगा, बस उल्टा पुलटा मूवी उल्टा पुलटा सीरियल देखता है, कहते बेटी बहू की बात करते हो, इससे सिवा क्या कर सकते हो, और कुछ तो नहीं कर सकते, यही तो करेंगे। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कहते, भगवान कथा को अपना जीवन बना दो, जैसे रोटी सब्जी जैसे हमारी जीवन है, कहते उसी तरह भगवान की कथा को जीवन बना देनी चाहिए। कहते जिसको देखो उदाहरण दिया, जैसे एक लड़का किसी लड़की को प्रेम करता है, एक लड़का एक लड़की अभी कथा सुन रहे थे ना, एक लड़का एक लड़की को प्रेम करता है, जब वो लड़की की बात होना उसका कान खराब हो जाता है, क्यों उसको प्रेम करता है, लड़की का नाम कभी हाथ में ले गया, कोई दीवार में ले गया, कोई काबू में ले गया, कान लेकर उसको प्रेम करता है, उसको प्रेम करता है। अगर हम भी भगवान को प्रेम करते हैं कहते उसका लक्षण क्या, उसका लक्षण है भगवान की कथा के बगैर हम रह नहीं सकते हैं। अब कथा है ना भगवान की कथा तबो कथा अमृतम, भगवान की कथा कैसे अमृत है, ठाकुर जी कथा ठाकुर कथा अमृत है ना। हम पहले हम कुछ दिन पहले सुन रहे थे संसार में हम दुखी है, कोई सुखी नहीं संसार में, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से, कोई बेटी से, कोई बहू से, कोई सास से, कोई ननद से, कोई पैसा से, परिवार से, दुखी दुखी से, कोई सुखी से संसार बोलो, कोई बोल दो कोई सुखी, क्या बोले संसार में कोई चिंता। लेकिन आप एक चीज देख लेना, जब तक मंदिर में रह बैठे रहोगे एक घंटा रहने डेढ़ घंटा कथा सुनो, अभी तुमको संसार का कोई दुख दर्श याद है, कोई याद है, क्योंकि जो कथा नहीं तब जो भगवान की कथा सुनते हैं वो ठाकुर जी की गोद में बैठा हुआ था, भगवान भगवान की कथा में कोई फर्क नहीं है, ठाकुर जी की कथा एक ही है, जितना समय कथा समझो सुनो उतना समय ठाकुर की गोद में बैठ समझो, ठाकुर जी गोद में बैठे हुए हो। इसलिए कोशिश करना घर के पास में, एक किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर कोई भी लौंगा तो घर में पास में हो, इसलिए कोशिश करना रोज आकर। हम तो ज्यादा दिन तक नहीं कुछ दिन रहूंगा, तभी आपका नशा ऐसे लगनी चाहिए मंदिर में आए बगैर जैसे हम रह नहीं सके हैं। गुरु गोविंद दो खड़े का खिला दो पाओ बलिहारी श्री गुरु जी के गोविंद देवती ने। इसलिए जब यहाँ पर गुरु जी आए वृंदावन से अभी लॉकडाउन वजह से, लॉकडाउन वजह से नहीं तो आप लोगों के लिए मेरी भागवत लेकिन यहाँ पर कुछ रह करके भक्त लोगों को कथा सुनने को मिली थी भक्ति में तो एक परिपक्व हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ रह रहा। इसलिए कोशिश करना मंदिर में रोज सवेरे हो नहीं तो शाम को हो आने के लिए है। यहाँ पर तो एक माता जी हर रोज सवेरे मंगला दर्शन करने के लिए आते हैं, कौन कौन एक मोनिका की मम्मी भी आए, भले ही जितने ठंडा पड़ जाए मोनिका ठंडा पड़ जाए लेकिन मंगला आना नहीं छोड़ती, के ठाकुर का जो मंगला दर्शन करेगा ना कितना मंगल होगा ना, उसका खास मंगल ही मंगल होगा शास्त्र कहता है। इसलिए गुरु जी कहते थे जो मंगला दर्शन करेगा तो ठाकुर का पट खोलता है ना, ठाकुर का नजर कहाँ पर पड़ता है, पहले जो सामने खड़े हुए व्यक्ति, इसलिए कहते शुभ दृष्टि करो प्रभु जगत कर देते। और कुछ माताएं भी मंगला में आती थी, माता जी माता जी आती थी लेकिन बहुत ठंडा पड़ गया इसलिए नहीं आ रही, लेकिन अब फिर ठंडा भी कम होते जा रही है, कोशिश करना की पास में बैठे। और ये एक माता जी और पास में जो दो ब्राह्मण बैठे ये तो सवेरे आकर के हैं बैठा दे जाएगी स्तुति स्तव, यहाँ पर बैठ कर प्रतन बैठ कर रोज स्तुति स्तव करके जाए रोज। और सबसे ज्यादा दूर मुझे लगता है दोनों में घर है, सबके दोनों ब्राह्मण का घर सबसे ज्यादा दूर, इसलिए कोशिश करना आने के लिए दिन में एक बार, नहीं तो शाम को जल्दी आओ और जल्दी हम खत्म करते हैं पठा, जल्दी 7:30 बजे समाप्त हो जाएगा फिर अपना घर का काम काज भी कर सकते हैं। ठीक है बोला श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौर वृंदावन की जय।